Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another very beautiful day, welcome back to another very beautiful vlog. जी तो आज मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी में व्लॉग शुरू करूँगी लेकिन इतनी वहाँ शिद्दत की गर्मी होती है ना कि दिल ही नहीं करता व्लॉग करने का. तो फिर मैंने सोचा कि अब हिम्मत करनी पड़ेगी और घर से ही व्लॉग शुरू करती हूँ. अगर घर से व्लॉग शुरू करूँगी तो पता होगा कि व्लॉगिंग करनी है तो फिर आगे खुद ही मैं करती चली जाऊँगी तो ये बेस्ट फिर हो जाएगा. लेकिन अभी मैं करने लगी नाश्ता. नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी चलते हैं और देखते हैं हमारी कितनी ख्वारी होनी है वहाँ जाके. जी तो अभी कर लेते हैं नाश्ता. अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता और नाश्ते में है बिरयानी जो रात को बनाई थी बहन ने, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी. और अभी मैं ये खाने लगी हूँ. ये खाने के बाद अभी आप लोगों को मेरा मुँह भी सूजा हुआ लग रहा होगा क्योंकि सो के उठती हूँ तो ऐसा ही हो जाता है और नींद भी पूरी नहीं होती ऊपर से. लेकिन खैर मैं वीकेंड का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ. आज वेनसडे है, अभी दो दिन पड़े हैं और भी. लेकिन खैर अभी करते हैं नाश्ता. नाश्ता करने के बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ. फिर जी तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी और बाबा ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था क्योंकि मैं उनको रोज़ सुबह कहती हूँ आप मुझे यहीं उतार दें क्योंकि वो सुबह अपनी जॉब से भी लेट हो रहे होते हैं, फिर भाइयों को भी ड्रॉप करना होता है स्कूल पर, फिर वो मुझे यहाँ ही छोड़ देते हैं. यहाँ से यूनिवर्सिटी से मतलब यहाँ से लेकर मेरी क्लास तक का रास्ता 15 मिनट का है. यहाँ पर लाइक जो लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं पसरूर से या पता नहीं दूर दूर से, उन सब की गाड़ियाँ यहीं पर उनको ड्रॉप करती हैं और फिर वो यहाँ से पैदल ही अपनी क्लास तक या यूनिवर्सिटी में जाती हैं. और भाई जिनके ले आते हैं वो आगे तक भी आ जाते हैं लेकिन जिनके नहीं आते वो तो पीछे ही रह जाते हैं. और जी ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस नहीं आई, अभी पीछे ही है, काफ़ी ज़्यादा पीछे होता है. लेकिन भाई इससे अंदर जो एक बार आ जाए ना, एक बार जिससे अंदर आ जाए फिर उसको उन्होंने नहीं जाने देना इससे बाहर. यहाँ पर गार्ड अंकल आपने देखे हैं बैठे हुए हैं दो दो, एक खड़ा हुआ है उस तरफ एक बैठा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते बाहर जाने में. उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर चेकिंग होती है, एक बार कार्ड चेक होता है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद बैग चेकिंग होती है कि बैग में कोई बॉम्ब शॉम ना रखा हो वो चेक वगैरह करवाया. उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर मैं एंटर हो चुकी थी. एक रास्ता जाता है ये इस तरफ जहाँ लड़कियाँ जा रही हैं लेकिन मेरी क्लासेस उस तरफ नहीं होती. मेरी क्लासेस होती हैं वो सामने जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, वो बने हैं अभी यूनिवर्सिटी में न्यू, वहाँ पर मेरी क्लासेस होती हैं. ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी का एडमिन ब्लॉक और यही गूगल पर दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी बड़ी हसीन है. लेकिन खैर बीच की बात नहीं करते. ये हमारी यूनिवर्सिटी का है इकबाल कॉर्नर. लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में लाइट वगैरह नहीं थी. आज पता नहीं कहाँ से एकदम से अचानक से लाइट आ गई. लेकिन लाइट आई तो इन लोगों ने हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जो दूसरी तरफ है पुराने रूम्स, तो वहाँ पर कर दिया. इतना दुख हुआ हमें, कितना टाइम हम लोग बर्दाश्त करते रहे कि लेकिन फिर आपने हमें उठा के वहाँ डाल दिया. लेकिन खैर है, अब क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो है बेशक, अब वहाँ पढ़े या यहाँ पढ़े, बस ये रूम ज़्यादा हमें पसंद थे. ये सारा जो है ना ये बहुत ही बड़े ब्लॉक्स हैं. सबसे पहले जी यहाँ पर आता है ग्राउंड फ्लोर जो इस तरफ है. इसके अंदर जाएँ तो बहुत ज़्यादा रूम्स हैं, फिर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ती जाना है. सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि पानी की टंकी बन रही है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि मस्जिद बन रही है, पता नहीं अब क्या ही बन रहा है वहाँ पर. फिर जी यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर, सॉरी सेकेंड फ्लोर आ गया था, फिर आ ही गया था एकदम से. तो फिर ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ से नज़र आती है. वो जो आप लोगों को बड़े बड़े ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं वो भी आईटी के ब्लॉक्स हैं और नीचे जो है वहाँ कंट्रोलर ऑफिस और ये सब था. ये मैं एंटर हो चुकी थी. यहाँ पर अभी रश नहीं था क्योंकि मैं सुबह सुबह ही आ गई थी लाइक 7:45 इस तरह. लेकिन जब टाइम हो जाता है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है. सेकेंड फ्लोर पर कम ही होती है क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना, लेकिन ज़्यादा नीचे ही होता है. उसके बाद मैं क्लास में फाइनली पहुंच चुकी थी. क्लास में पहुंची तो यहाँ पर मैंने लेक्चर्स लिए, पहले कोई 2-3 लेक्चर्स लिए. उसके बाद जी क्या हुआ कि लाइट आ गई जब, तो उन्होंने पंखे सेट करने थे तो फिर वो लोग पंखे सेट करने लग गए तो हम लोग 2 मिनट क्लास से बाहर चले गए. फिर जी हमारे लेक्चर्स हो गए ख़त्म, तो मैंने सोचा कि अब मैं जाकर एक बार मुँह धो लूँ और सनब्लॉक रीअप्लाई कर लूँ. दोस्त से मैंने मेहंदी भी लगवानी थी इसलिए मैंने कपड़ा मेहंदी भी रखा हुआ था. बीच में तो ये लड़कियां पढ़ रही थी, मैंने कहा शाबाश तुम लोग पढ़ो पढ़ो, अच्छे बच्चे वैसे भी पढ़ते हैं, तो मैं चलती हूँ और अपना काम करती हूँ. लेकिन फिर ये बैग बंद करना कोई इतना बड़ा टास्क है ना, ये रजिस्टर इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा ही नहीं आता.
फिर जी मैं गई, मुझे एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि फ्रेंड से फेस वॉश भी मिल गया, तो मैंने उससे फेस वॉश भी ले लिया। और मैंने कहा पहले मुंह धो लूँगी फिर सन ब्लॉक लगा लूँगी, लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम थे लेकिन उन्होंने ये बंद किए हुए थे, मुझे फिर इतनी तब चढ़ी। चलो बंद किया होगा, इसमें पता नहीं जैसे कौन सा वाला सोना लगा होगा कि वॉशरूम ही बंद कर दिया। यार बाहर का मौसम देखें कितना ज़्यादा प्यारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का, वरना गर्मी में तो जान निकल जाती है मेरी। किधर दिखा रही हूँ, आसमान दिखाई जा रही है, यहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी नहीं नज़र आती, मैं भी यहाँ से आ जाए। वो दूर दूर लड़कियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं। खैर जो भी है ना, अभी मैं जाऊँगी वॉशरूम, वॉशरूम जाके मुँह धोऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज़्यादा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसके बाद फ्रेंड से फेस वॉश भी मिल गया, ये लगाऊँगी, सनस्क्रीन लगाऊँगी। वैसे आज धूप नहीं लेकिन फिर भी लगानी है क्योंकि वो गर्म हवा वाली कोई होता है ना सीन। खैर ये सब करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग क्लास में क्योंकि बाबा ने आने 2 बजे। अभी मेरा मुंह सूख रहा है तो मैंने कहा मैं आप लोगों का ना कुछ दिखाऊं। ये हमारी यूनिवर्सिटी से ना ऐसे बालकनी टाइप लाइक यूँ बालकनी से निकलती है, यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, थोड़ा सा सुकून होता है दिल को। लेकिन ना मैंने आपको पता दिखाना क्या था कि ये देखें, ये भी नज़र आ रही है, ये लड़कियों ने इतनी मेहनत से बनाए थे और फिर 2-3 बारिशें हुई और फिर ये यहाँ पर रख दिए थे। क्योंकि मैंने देखा था ये आर्ट्स की बच्चियाँ थी और बड़ी मुश्किल से बनाई थी। खैर वो जो आप लोगों को दीवार नज़र आ रही है ना, ये एक जो दीवार नज़र आ रही है, ये जो है ना जेल है यहाँ पर, और यहाँ से नहीं बल्कि वो दूसरी वाली तरफ से ना, हमारी यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड से, वो वाली साइड बिल्कुल ठीक नज़र आती है। क्योंकि वहाँ पर ना ऐसे कपड़े डाले हुए और जेल की जो होती है ना वो सलीखे टाइप, वो भी नज़र आ रही है। मैंने सोचा जब तक मेरा मुंह सूख रहा है ना मैं तब तक आप लोगों को ये वाली जगह दिखा देती हूँ। और बाकी बकाया वो जो है ना वो सारे हमारी यूनिवर्सिटी से इस तरफ जो है वो सारे घर हैं लोगों के, और बस इतना ही जी। तो अब मुँह सूख गया है मेरा, बस जाती हूँ सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद काम वगैरह करती हूँ, उसके बाद 2 बजने का इंतज़ार करेंगे, 2 बजने के बाद जाएंगे घर। बल्कि अभी घर नहीं जाना, बल्कि बाबा के दोस्त की बेटी को मैंने मेडिसिन देनी है कुछ, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी। वो मुझे कह रही थी मैं आ जाती, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं आती हूँ, अच्छी बच्ची हूँ मैं, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी, मेडिसिन वगैरह दूँगी, उसके बाद मैं भी बाबा जल्दी आ जाएँ, उसके बाद जाएँगे घर और रेस्ट वूस्ट करेंगे आज। बाकी मैं बड़ा ज़्यादा फिर जी मैं गई मेडिसिन देने बाबा की दोस्त की बेटी को, और क्योंकि ये मेरी फ्रेंड थी, इसने भी इसके भी घर लेने आ गए थे तो इसने भी जाना था, तो मैंने कहा चलो फिर तुम भी मेरे साथ चलो, और यहाँ से वो चली गई थी। और जी यहाँ से एक वो रास्ता जाता है और दूसरी तरफ एक ये रास्ता है जो यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने खुद ही बनाया हुआ है क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग वे हो जाता है, और इतनी गर्मी तपती हुई धूप में कसम से इतना लंबा रास्ता लेने का दिल नहीं करता, तो बंदा ही शॉर्टकट लेके तो यहाँ से आराम सुकून से चला जाए तो वही बेहतर है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे आर्ट्स का ब्लॉक है, और यहाँ जी फ़िल्टर लगा हुआ है जो चलता नहीं है, और यहाँ से भी रास्ता जाता है, बहुत से रास्ते जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ये बहुत बड़ी होती है। ये आर्ट्स का ब्लॉक है पुराने वाला, और वो जो उस तरफ है वो न्यू है। ये जी हमारी यूनिवर्सिटी की आ जाती है दूसरी साइड, यहाँ पर ये है मैथ्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं। इस तरफ जाती है जी कैंटीन, और जी ये दूसरी तरफ इस तरफ है जी आईटी का ब्लॉक, और ये आर्ट्स के बच्चों ने बर्गर बनाया हुआ है। बीच का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बॉटनी डिपार्टमेंट आता है, मैथ्स का डिपार्टमेंट आता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। ये है जी यूनिवर्सिटी का फवारा चौक, और अभी के लिए बस इतना ही जी। तो मैं यूनिवर्सिटी से आ चुकी हूँ, और यूनिवर्सिटी से आए हुए भी मुझे 4 घंटे हो गए हैं, और आने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं आज सोई नहीं क्योंकि रोज़ाना मैं सो जाती हूँ, और सोने की वजह से फिर मामा के साथ पहली चीज़ टाइम नहीं स्पेंड हो पाती, दूसरी चीज़ ये कि मेरी जोहर की और असर की नमाज भी रह जाती है हमेशा। तो फिर मैंने आज कल मतलब ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि अब मैंने घर आके नहीं सोना क्योंकि मुझे ये ब्लॉग भी कम्प्लीट करना था, तो मैं आज अपने से वादे के मुताबिक नहीं सोई। तो मम्मा ने पढ़ ली हुई है नमाज, मम्मा के अभी हम बातें शादी करते हैं मम्मा से भी, और लिपटी हाँ खा रही है, हाथों पे इतनी प्यारी सी मेहंदी नज़र आ रही है। किसी कोई रीज़न नहीं है मेहंदी लगाने का, मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने अपनी क्लास की लड़की से लगवाई थी, उसने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई ना कि मेरा तो इस पर दिल आ गया, लेकिन अब इसने भी आहिस्ता आहिस्ता मिल जाना है। तो जी अभी हम लोग जाते हैं बनाने के लिए कुछ खाने के लिए। आज गर्मी भी नहीं थी यूनिवर्सिटी में क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो फिर भी मैंने जामी श्री पी, लेकिन हर दिन की तरह 5-5 ग्लास नहीं पिए बल्कि 1 ही ग्लास पिया।
तो अभी चलते हैं किचन में कुछ खाने बनाने चलते हैं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने का, उसके बाद देखते क्या करना है। आज हुई है बारिश, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई है यूनिवर्सिटी में, तो ना मैंने अब सोचा है कि मैं कुछ बनाऊं, लेकिन उस बनाने से पहले मम्मा ने बोला है कि मम्मा बनाएंगी, मम्मा से ही पूछते हैं मम्मा क्या बनाएंगी आज। हम हलवा बनाएंगे। हम लोग बनाने लगे हलवा, और मैंने मम्मा से काफ़ी दिनों से मेरी मम्मा से बातचीत भी नहीं। मम्मा, मैं आपको ये बात बोल भी रही थी कि ना जब से मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी मैं आके सो जाती हूँ और मैं मम्मा के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, लेकिन आज मम्मा और मैं ढेर सारी करेंगे बातें और चाय पार्टी भी करेंगे हम लोग, और देखते हैं क्या करेंगे। पहले तो मम्मा जो हलवा बनाएंगी ना वो खाएंगे, वैसे मैं मीठा नहीं खाती लेकिन मम्मा के हाथ का हलवा मैं छोड़ती हूँ। फ्राइज मैंने बना लिए हैं बनाने के बाद, अब देखते हैं कैसे वैसे बनाए। वैसे मैंने इतने नहीं थे बनाए, मैंने बड़े ज़्यादा थे, लेकिन मम्मा और मैं साथ साथ खाते गए। तो इसमें मैं डालती हूँ केचप और मायोनीज। केचप और मायोनीज डालने के बाद जुबान फ्लिप हो गया। केचप और मायोनीज डालने के बाद मम्मा के पास चलते हैं और मम्मा को टेस्ट करवाते हैं कैसे बने। 2000 years later. मायोनीज से मैंने केचप के ऊपर बनाई यू। अच्छा, आप मम्मा को चेक करवाते हैं। मम्मा मेरी ये बैठी हुई है, दरअसल मैं मम्मा पहले मम्मा ज़रा टेस्ट करके बताएं कैसे बने। पकड़ लें, चलो जी मम्मा का रिएक्शन, मम्मा ऑनेस्ट बताना है, ठीक है? बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन देना। मजे का बहुत अच्छा। लेकिन मम्मा ये जैसे जैसे बनते गए, एक और खा रही थी। मम्मा आप ठीक नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे बनते गए थे मम्मा और मैं साथ साथ खाते गए थे, लेकिन फिर भी टेस्ट तो करवाना ही करवाना था ना। तो जी मजे के बने। अब मैं ये खाती हूँ और खाने के बाद कुछ और खाने की फिर तैयारी करते हैं। मम्मा ने हलवा बनाना है, फिर हम लोग हलवा खाएंगे। अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, और खाने में बने हैं चने और साथ रोटियाँ। रोटियाँ सारी मैंने नहीं खा जानी, लेकिन अभी सब मम्मा ने भी मेरे साथ खानी है। वो भी चाय का काम कर रही है, और चाय का काम करने के बाद वो आ जाएंगी। लेकिन चने बने जब तो मेरा दिल करता है साथ वाइट चावल हो, लेकिन वो मम्मा ने नहीं बनाए। वो मम्मा ने नहीं बनाए क्योंकि हम लोगों ने अभी कल परसों ही बनाए थे, तो उसमें उसका फिर दिल नहीं था, फिर खैर यही बना लिया। तो खाना खाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आगे नहीं सोई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आपको मेरी आँखों से समझ आ रही होगी। खैर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।